नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति किताब का 6ठा अध्याय है, जिसका नाम है स्थापित्य एवं शिल्प के विभिन्न आयाम। इस अध्याय को पढ़ेंगे तो इस अध्याय को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। प्राक व आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडहरों के अध्ययन की नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले या जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोंथी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के किनारों पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियां, गोल कुएं, वेदियां आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गिलोंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चदरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है जिनमें पुष्कर, मरुधन व जांगल, मत्स्य साल व मरुकारांत आदि प्रमुख है। महाभारत काल में विराट नगर, बेराट, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राजकीय प्रशय में ही नहीं पलती थी वरन आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। विराट नगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभ लेखा और बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेड़च नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, कि भव्य नगर योजना इस बात के साक्षी है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व तक भव्य नगर रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ पर ऋग्वेदिक काल व उसके बाद महाभारत काल में भी कई स्थापत्य कला के उदाहरणों में देखने को मिलते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमजेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियां, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियां तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियां बनी वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसियां, रणथंबोर, झालरा, पाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी
चौपड़ हैं जिनमें बीच में फंवारे तथा चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार हैं। शहर से निकास के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। आगे चलकर तो पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापित्य ने प्रभावित किया। तो जयपुर शहर की नींव है वो नवंबर 1726 में रखी गई पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा, और इस शहर के शिल्पकार थे विद्याधर। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। समुची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। बूंदी के स्थापित्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हैं। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए। घाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। नगरों के स्थापित्य से गांवों का स्थापित्य भिन्न रहा है। पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा, सराड़ा आदि। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियों, छोटी छोटी टेकरियों पर दो चार झोंपड़ियों के रूप में बसी मिलती हैं। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता है, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बीदासर, जेतसर, उदासर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नगर व गाँव की जो स्थापित कला है वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न मिलती है। दुर्ग शिल्प। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़गढ़ी नहीं हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वे प्रदेश हैं जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। राजस्थान में दुर्गों की स्थापित्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा पर्वतीय युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनागढ़, अजयराज चौहान का गढ़ बीठली, तारागढ़, अजमेर, कुंभा का मंडलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापित्य पर भी पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो तथा जो ऊपर से चौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे उनका पुनर्निर्माण भी किया गया, जैसे आबू में अचलगढ़। महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापित्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए स्थिरता व शांति का काल था। क्या आप जानते हैं राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों आमेर, महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। तो ये 6 दुर्ग हैं, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है जून 2013 को।
प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती हैं। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्जें, किले के चारों तरफ गहरी खाई या पारिक गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग, किले के भीतर सिंहलखाना, शस्त्रागार, जलाशय अथवा पानी के टांके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। अब है दुर्गों के प्रकार। अपनी स्थिति, स्थापित्य व उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। अब दुर्गों के वर्ग या प्रकार देखते हैं। पहला है ओदुक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरौन दुर्ग। गिरी या पर्वत दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धान्य दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। रेगिस्तानी इलाकों में जो दुर्ग बना हुआ होगा उसको धान्य दुर्ग कहते हैं। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। एरन दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ व जालौर के दुर्ग। पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़, जैसलमेर। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहे हो। सहाय दुर्ग में शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें दो या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग एवं एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है, यानी जो सबसे अच्छा दुर्ग माना गया वो सैन्य दुर्गों को माना गया। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। तो ये चित्तौड़गढ़ किले का दृश्य है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नामकरण चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए यह उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले में इतिहास के तीन प्रसिद्ध शाखे हुए। पहला शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय व तीसरा 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जें, अवैध प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विराट दुर्ग का रूप दे दिया, जहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रासाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग, मौरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापित के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था।
कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है। दुर्ग के भीतर जालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामा देव तालाब, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ एवं राणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मूक गवाह है जो सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर स्थित हैं। सिवाना दुर्ग बाड़मेर, बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणकलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 1954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानड़दे के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग शिवाना के किले पर आक्रमण किया जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तारागढ़ का किला बूंदी, तारागढ़ का किला एक अजमेर में भी है जिसे गढ़वीटली कहा जाता है। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवा उसे ध्वंस कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापित कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार, बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर व गर्भ गुंजन तो बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। अगला किला है नाहरगढ़ का किला जयपुर। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुंजार नार सिंह ने किले के निर्माण में विध्वंस उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकार पौंड्रिक ने नार सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान अम्बागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तारागढ़ अजमेर, पहला तारागढ़ हमने बूंदी में पढ़ा भी है, अजमेर का तारागढ़। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीटली तथा अजय मेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में बिठल दास गोड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ बीटली पड़ा हो। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिन ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टोंक पर बना हुआ है। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बनियों मेहरान, मेहरानगढ़ किले का दृश्य है। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय हैं। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत हैं। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे किल किला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, दुर्गाणीत, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक, ये सब मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम हैं। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली, मनोर व आनंदगण के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रतखत विलास, चौकेलाव महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती हैं। चुरू का किला, चुरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चुरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। तो चांदी के गोले दागने के लिए चुरू का किला है वो प्रसिद्ध है। अकबर का दुर्ग अजमेर, अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापित पद्धति से बनाया गया है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया। अगला दुर्ग है लालगढ़ दुर्ग बीकानेर, इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण हैं। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के शाखे में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण हैं।
भैंस रोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसाशाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचार्य ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों राठौड़ों सत्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंस रोडगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। गागरौन का किला झालावाड़ काली सिंध व आहू नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया था। उनके नाम पर यह डोडगढ़ या दुर्लरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग खिंची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खिंची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसंगशाही से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिट्टे साहब, संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। गागरौन किले का दृश्य, जिसमें दोनों ओर से नदियां आ रही है। जयगढ़ अजमेर मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक। जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिला लेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतियार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ते चौहान 1305 से 1311 ईस्वी था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। जैसलमेर का किला राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चुनने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर है, अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के मेलों में रंग मेल, मोती मेल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख हैं। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। लोहागढ़ भरतपुर। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गड्ढी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसके चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोटी खास, वजीर की कोटी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख हैं। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला भरतपुर, तिमणगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का शोजत और चमन का किला पूर्व जयपुर रियासत के शिवाड़, कालक, कांकोड़,
और खंडार के किले, हाड़ौती का, शेरगढ़, सिरोही का, बसंतगढ़ का दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। मंदिर शिल्प का जो भाग है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।